अभी करा दिया जाए लोकसभा का चुनाव तो इंडिया गठबंधन या एनडीए किसकी बनेगी सरकार? 2024 चुनाव पर आया पहला ओपिनियन पोल, जानिए इंडिया और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें। आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप, मोदी लगाएंगे हैट्रिक या फिर इंडिया गठबंधन मारेगा बाजी, जानिए सब कुछ। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों की धड़कने बढ़ती जा रही हैं। हर कोई अपने अपने स्तर से अनुमान लगा रहा है कि क्या इस बार मोदी सरकार हैट्रिक लगाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन कमाल करेगा। 28 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2024 के चुनाव को लेकर अब पहला ओपिनियन पोल सामने आया है। इन सबके बीच मतदाताओं का मिजाज क्या कहता है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए किसकी सरकार बनेगी, क्या एक बार फिर मोदी मैजिक काम आएगा, इन सबके बीच मतदाताओं का मिजाज क्या कहता है, चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं। सी ओटर के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के जीत के अनुमान है। सी ओटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 295 से 335 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की हैट्रिक के अनुमान है। अब यहां आपको बता दें कि आखिर एनडीए को फायदा कैसे मिल रहा है। दरअसल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, यह आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए यूरिया का काम करेगा। यह सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के 2024 में सरकार बनाने की। बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उधर मोदी का राज तिलक होगा। सीओटर के मुताबिक ईस्ट जोन की 153 में से 80 से 90 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी को नॉर्थ जोन की 180 में से 150 से 160, वेस्ट जोन की 78 में से 45 से 55 और साउथ जोन की 132 में से 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं। सी ओटर की इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन साउथ जोन में ही सबसे मजबूत नजर आ रहा है। इस जोन में इंडिया गठबंधन को 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया गठबंधन को ईस्ट जोन में 50 से 60, नॉर्थ जोन में 20 से 30, वेस्ट जोन में 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सीओटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 से 75, मध्य प्रदेश की 29 में से 27 से 29, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9, राजस्थान की 25 में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की सरकार यानी कि कर्नाटक में भी बीजेपी की 22 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। सी ओटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को तेलंगाना में 9 से 11, बिहार में 21 से 23, महाराष्ट्र में 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब में कांग्रेस को 5 से 7 और आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान सी ओटर के ओपिनियन पोल में जताया गया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 23 से 25, कांग्रेस और लेफ्ट को 0 से 2 और बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। सी ओटर के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बना रही है। अब ऐसे में सर्वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की नींद उड़ाकर रख दिया है। अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ही बातचीत नहीं हुई, ना ही पीएम फेस के चेहरे पर कोई बातचीत हुई। उससे पहले इस सर्वे ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। अब इंडिया गठबंधन क्या करेगा, यह देखने वाली बात होगी।